हेलो क्लास, आज देखते हैं हम लोग हिंदी, है ना। हिंदी में आपको क्या करना है, जो वर्ण दिया हुआ है, है ना, वर्ण दिया हुआ है उसको यहाँ पे धन लगा के दिया हुआ है, तो धन लगा के दिया हुआ है उसको हम क्या करेंगे, लास्ट में उसको ऐड करके लिखना है। जैसे धन मतलब होता है जोड़ना, है ना, ये धन का मतलब होता है क्या, जोड़ना। तो यहाँ पे अलग अलग वर्ण दिया गया है, जैसे कि क धन म धन ल, ठीक है। अब यहाँ पे तीनों को हम जोड़ के क्या बनाए हैं, शब्द बनाए हैं। क अलग वर्ण है, म अलग वर्ण है, ल अलग वर्ण है ना, और तीनों वर्ण मिलके एक शब्द बनाती है जिसे हम क्या बोलते हैं, कमल। क्या बोलते हैं, कमल। क धन म धन ल बराबर कौन सा शब्द बना, कमल, है ना, कमल बन गया। वैसे ही नीचे देखते हैं अब मात्रा वाले शब्द, ये तो हो गया आपका अमात्रिक शब्द, मतलब छोटा अ की मात्रा वाले, जो अदृश्य रूप में रहता है ना, जो दिखाई नहीं देता है लेकिन सभी व्यंजन वर्ण में रहता है, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पे मात्रा वाले शब्द, तो न धन आ की मात्रा धन म, ठीक है। न में जब आ की मात्रा मिल गया है तो वो क्या बन गया है, ना, ठीक है, और म, तो ना म कौन सा शब्द बनेगा, ये नाम, कौन सा शब्द बनेगा, नाम। वैसे ही ब धन आ की मात्रा धन ला, तो जिसके पीछे में है वो उसी के साथ जुड़ेगा, है ना, आ की मात्रा जो है वर्ण के पीछे लगता है, तो ब धन आ की मात्रा बाल, बाल कौन सा शब्द बन जाएगा, ये बाल। फिर से देखते हैं, ये छोटी की मात्रा धन स धन र, ठीक है, तो ये छोटी की मात्रा किस में लगेगा, वर्ण के सामने लगता है, तो ये स है तो स के पहले लगेगा, तो ये कौन सा क्या हो जाएगा इसका उच्चारण, स में छोटी की मात्रा सीर, शीर, क्या बोलेंगे इसको, सीर। ख खा में बड़ी की मात्रा खीर। अब देखिए यहाँ पे छोटी की मात्रा जो है वर्ण के पहले लगता है और जो बड़ी की मात्रा है वो वर्ण के पीछे लगता है, तो यहाँ पे देखिए ख, ख में बड़ी की मात्रा खीर, खीर, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं छोटा ऊ की मात्रा वाले शब्द, प, प में छोटा ऊ की मात्रा धन ल, मतलब प धन छोटा ऊ की मात्रा धन ल, पूरे मिलके ये वर्ण और मात्रा मिलके कौन सा शब्द बनाएगा, पा में छोटा ऊ की मात्रा पू ल, पुल, कौन सा शब्द बनेगा, पुल। अब यहाँ पे देखिए बड़ा ऊ की मात्रा वाले शब्द, फ धन बड़ा ऊ की मात्रा धन ल, तो फ में बड़ा ऊ की मात्रा फूल, फूल, क्या बोलेंगे इसको, फूल, ठीक है। ये पुल है, छोटा ऊ जो मात्रा है उसका उच्चारण छोटा सा होता है ऊ, और बड़ा ऊ का मात्रा ऊ, ठीक है, तो ये पुल है और ये फूल है, है ना, तो छोटा ऊ और बड़ा ऊ की मात्रा जो है वर्ण के नीचे लगता है, मतलब वर्ण के पैर में लगता है, ठीक है। तो ये जो वर्ण दिया हुआ है, धन लगा के दिया हुआ है, उसको आपको धन हटा के यहाँ पे शब्द बनाना है। जैसे चलिए रीडिंग करते हैं, ठीक है, कमल नाम बाल सिर खीर फूल फूल, है ना, फिर से कमल नाम बाल सिर खीर फूल फूल, है ना। तो ऐसे इसको उच्चारण करके आपको क्या करना है, अपना नोटबुक में लिखना है। ओके, थैंक यू।